मैं एंकर उर्वशी गांधी आप सभी आए हुए मेहमानों का आज की इस बेहतरीन सी महफिल मंजर में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। Yes, ladies and gentlemen, I would like to welcome you all the family members who are presenting here on the behalf of Abhava family. जी हाँ दोस्तों, चलते हैं आज की शाम की शुरुआत की ओर। बट इससे पहले मैं अपने डैशिंग एंड हैंडसम को एंकर ईशान को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरे को एंकर ईशान का। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनका वाला सेम टू यू, और सभी का वेलकम है। दीदार कर रहा हूँ मैं, जैसा कि देख रहा हूँ सुंदर सुंदर लोग यहाँ सर दर्श के आ चुके हैं। तो शिकारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया इतने सुंदर तरीके से, और उतने ही सुंदर तरीके से जितने सुंदर तरीके से आपने मुझे निमंत्रण दिया है उतने ही मूवी को खूबसूरत आप भी लग रही है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स और जितने भी मेहमान बने उनसे गुजारिश करूंगा, सबसे पहले आप सोफा जो आगे की खाली है उसकी ओर आ जाए, जितना नजदीक आप आएंगे उतना ही स्टेज के नजदीक आप हमें देख पाएंगे और आज की सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस को देख पाएंगे जो कि आई है डीजे कशिश की ओर से। और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, क्योंकि आज का इवेंट, आज का शादी का समारोह जिसकी हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, दो चाहने वालों को, दो प्यार करने वालों को, दो दिलों को आज एक करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार और सम्मान देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो शुभ कार्य है, तो शुभ कार्य से पहले उनसे बताएंगे क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का आगमन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम ये छोटे से महामंत्र के उच्चारण से भगवान गणेश को आज की इस बेहतरीन सी महफिल में बुलाते हैं और आज की इस बेहतरीन सी महफिल की शुरुआत करते हैं। वो महामंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा गुरुमे देवा सर्वदा। हाँ मॉनिटर मिलेगा, बस मॉनिटर था thank you।
Thank you.